यहाँ तो वो गाना गाने को दिल कर रहा है। आए मौसम रंगीले सुहाने, आए मौसम रंगीले सुहाने, पिया नहीं माने तो छुट्टी लेके आजा भालमा। लेकिन मेरा बालमा बेचारा तो सुबह सुबह ही काम पे चला गया। वाव, लुक एट द सीनरी, कूल। ऐसे अच्छे मौसम में, इतने अच्छे कलर्स में कोई कैसे वॉक ना करे। वाओ, ये खूबसूरत जगह फिर से, ओह माय गॉड, इस जगह में जितनी दफ़ा जाए उतना कम लगता है। मैं कभी कभी यहाँ पे आके, आगे एक पत्थर है उस पर मेडिटेशन करती हूँ, और 10 मिनट की मेडिटेशन आपको ऐसे रिफ्रेश करती है पूरे दिन के लिए कि वाओ, आप सुपर चार्ज हो जाते हो। ये है वो पत्थर जिस पे बैठ के मैं मेडिटेशन करती हूँ, 10-12 मिनट तो लाजमी। ओह माय गॉड, देखिए इस खूबसूरती को और सराहिए इस खूबसूरती को। कैसे ना आए बड़ी एटिक लेक पे बार बार। As I have lost my key on the way, now I have to retrace my steps back to see if I can find my keys. Bye bye to the lake, and we are going back. मुझे अपने steps को retrace करना है कि मेरी key कहीं पे है तो मुझे मिल जाए। I have heard sometimes people hang the keys or something they find on the trees. Let's see. तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे नीचे भी देखना है और दरख्तों पे भी देखना है कि किसी ने नीचे देख के दरख्त के ऊपर लटका तो नहीं दी है मेरी कीज और की चेन। यहाँ गलियों में लोग ही नज़र नहीं आते, गाड़ियाँ नज़र आती हैं, उनके पेट्स की आवाज़ें आती हैं बस। और आज हेलोवीन है तो ये एक चीज़ नज़र आई है, हाय पम्पकिन हैप्पी। देखते हैं ये गुलहरियाँ क्या कर रही हैं, नट्स ढूंढ रही हैं और छुपा भी रही हैं।
सी क्यूट, ये खा रही है, भाग गई। हाय स्क्रू, व्हाट आर यू डूइंग? सर्चिंग फॉर नट्स, लाइक डिगिंग द ग्राउंड? पत्तों का फर्श बनाया है अल्लाह ने हमारे लिए। सी ब्यूटीफुल। हाय क्लेरी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। छुप गया। यहाँ बच्चों की इंटरटेनमेंट का बहुत ख्याल रखा जाता है। देखिए जगह जगह पे आपको छोटे छोटे प्ले एरियाज नजर आएंगे, हर मोहल्ले में कई कई। ये छोटी लाइब्रेरी पहले भी दिखाई थी। लोग यहाँ पे अपनी मर्जी से बुक्स रखते हैं और निकालते जाते हैं। मेरे बच्चे भी कभी कभार यहाँ से बुक लेते हैं, पढ़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं, और कभी अपनी कोई फेवरेट बुक भी यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं ताकि कोई और बच्चा उसको उठाए और पढ़े। सो आई एम बैक टू स्कूल, रिट्रेसिंग माई स्टेप्स टू फाइंड माई की। लेट्स सी हाउ लकी आई एम टू गेट माई कीज बैक। कुछ रास्ते में हम लोग स्कूल आते हुए भाग भी रहे थे, तो क्या पता भागते भागते कहीं पे रास्ते पे हमसे की गिर गई हो। पहले हम स्कूल घर से सुबह स्कूल आए, स्कूल से मैंने सोचा कि लेक की तरफ वॉक करती हूँ क्योंकि मौसम बहुत ही प्यारा था। वॉक करते करते पता चला कि मैंने तो की कहीं खो दी है। फिर लेक से मुझे स्कूल जाना पड़ा, की नहीं मिली। अभी स्कूल से वापस घर की तरफ जा रही हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कहीं गिर गई हो क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी जगहों पे मैं और मेरी बेटी ने रनिंग की थी। हमें की तो नहीं मिली, बट अभी चलते चलते एक और प्ले एरिया ज़रूर मिल गया। आई एम सीरियसली इम्प्रेस्ड, ये लोग अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे भरपूर तवज्जो देते हैं, हमारी तरह से बिल्कुल नहीं है। सी यहाँ पे पैदल चलने वालों को बहुत इज्जत दी जाती है और उनका बहुत ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे गिलहरियाँ भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। अब बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो रही है, अपनी छतरी मुझे खोलनी पड़ेगी। किसी ने हेलोवीन के लिए ये जगह ये भी बनाया है, इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल। आई कैन स्पॉट वन मोर स्क्रू, क्या कर रही है ये गिलहरी? भाग रही है, भाग रही है, और ये भाग गई। ओह माय गॉड, दिस ट्री इज डाइंग लिटरली। सो वन मोर प्ले एरिया ऑन दिस साइड। देखिए ना कितने ज़्यादा यहाँ पे प्ले एरियाज हैं बच्चों के लिए। आई एम अबाउट टू रीच होम
and no luck till yet to find my keys. This is Izan's bus stop. फिर ईजान की बस यहाँ पे आती है और यहाँ वेट करते हैं. यहाँ पे बास्केटबॉल का छोटा सा प्ले एरिया भी है. और ये चौथा प्ले एरिया आया जो मुझे रास्ते में मिला. देखिए नाज़रीन, लाइक 15 से 18 मिनट का हार्डली रास्ता होगा और चार प्ले एरिया ऑलरेडी हम देख चुके रास्ते में. पार्क वाला भी मिलाएंगे तो 5. एंड द बैड न्यूज़ इज आई हैवन्ट फाउंड माय की एनीवेयर. आई डोंट नो वेयर आई हैव लॉस्ट इट और मे बी आई हैव फॉरगॉट इट एट होम. I think now I will go to leasing office and tell them, like, this is the story. Bye. Have a good day, all of you. It's such a pleasant weather here before storm. Bye. God bless you.